वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप में भारत गिरकर 112वें स्थान पर पहुंचा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में जेंडर गैप इंडेक्स 2019 जारी किया है, जिसमें भारत 112वें स्थान पर खिसक गया है। इस इंडेक्स में देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी की बढ़ती असमानता के बीच लैंगिक समानता के मामले में भारत 4 पायदान नीचे चला गया है। स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर देश को निचले 5 देशों की सूची में स्थान दिया गया है। पिछले साल 2018 में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट में 108वें स्थान पर था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्तमान परिदृश्य के अनुसार दुनिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्यस्थल की असमानता को वर्ष 2076 तक ही मिटाया जा सकेगा। तेजी से बदलती व्यावसायिक दुनिया में आर्थिक लिंग अंतर को खत्म करने के लिए एक और बड़ी बाधा यह है कि सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बेहद कम है। लिंक्डइन के सहयोग से जारी एक नए विश्लेषण के आधार पर तैयार यह रिपोर्ट यह बताती है कि नई अर्थव्यवस्था के मोर्चे, जहां रोजगार और वेतन में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, वहां भी महिलाएं इन 8 नौकरी समूहों में से केवल 2 में ही पुरुषों को पछाड़ती है, जिसमें कंटेंट राइटिंग और लोग और संस्कृति शामिल हैं। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में केवल 12% पेशेवर महिलाएं काम कर रही हैं, इंजीनियरिंग में 15% और डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में 26% महिलाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to our channel and press the bell icon for more such updates. Like and share the video and let us know your queries in the comment section below.